मेरा नंबर लगा था यहाँ पर, तो मैं क्या बताऊँ सर, इतनी खुशी थी और आने के बाद उससे डबल खुशी मिली, क्योंकि मैं जो लेने आया था अब मैं बता नहीं सकता, मेरे को उससे दो गुना ज्यादा मिला है। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ देवव्रत अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम का चैनल। दोस्तों ये वीडियो है एक अवेयरनेस ये आपको बताने के लिए कि अगर आप UMT चला रहे हैं तो आपको पता तो चली गया होगा कि UMT अब मांग रहा है एक्टिवेशंस। अब UMT को भी मेडिकल की तरह हर साल एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग UMT के नाम पे पैसा ठग रहे हैं, तो ये वीडियो मेरा एक अवेयरनेस के बनाने के लिए आपका बनता है। सो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास UMT है तो सबसे पहले तो उसको तब तक अपडेट मत कराइए जब तक कि वो ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि UMT मेरा ओपन हो रहा है उसके बाद भी मुझे अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट नहीं कराऊंगा तो चलेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका UMT जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन वो खुलेगा ही नहीं, हो जब खुलेगा तो उसके साथ सीरियल नंबर उसका शो होगा, और सीरियल नंबर के साथ आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ZX मलिक, इन नंबर को कॉल कर सकते हैं। ये इंडिया के बैक्स बॉक्स रीसेलर, तो इनको कॉल कीजिए, इनको अपना सेल नंबर दीजिए और ये आपके 5 मिनट में आपका UMT कर देंगे अपडेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर UMT जो आपका अपडेट होगा वो होगा मात्र 1600 रुपये में। मार्केट में प्राइस कुछ भी लिया जा रहा है 1800-1900, और यहाँ पर जो UMT ने अपनी वेबसाइट में प्राइस डाला हुआ है, वो जो ऑनलाइन उन्होंने जो भी डॉलर पैसा डाले हुए हैं वो सब पड़ते हैं कम से कम 2000 रुपये। सो अगर आपको 1600 रुपये में अपना UMT अपडेट कराना है तो आप इन नंबर पर कॉल कीजिए, इनको मैसेज कीजिए, बोलिए एसर टेलीकॉम, बोलिए कि आप एसर टेलीकॉम के सब्सक्राइबर हैं, सो आपको ये 1600 रुपये में पड़ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको 1700 रुपये पड़ेगा। चलिए ये तो बात हो गई UMT की, मैंने आपको बता दिया कि आप तब तक अपना UMT अपडेट मत कराइए तब तक जब तक कि आपका चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, हो सकता है क्योंकि ये UMT आपने 6 महीने पहले खरीदा हो, क्योंकि अगर आपने 6 महीने पहले खरीदा है तो 6 महीने का एक्टिवेशन अभी तक बाकी है। अगर आपने 11 महीने पहले खरीदा तो 1 महीने का बाकी है। अगर आपका आज बंद हो गया है तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट लगता है उसको एक्टिवेट कराने के लिए। नंबर पर कॉल कीजिए, अपना सेल नंबर दीजिए, ये 1 साल के लिए फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों ये तो रहा एक UMT का अपडेट, अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की। जब हम EMC क्लास को रन करते हैं और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो 8-10 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, दो बैच हमारे चलते हैं, एक बैच चलता है हमारा 5 तारीख को, एक बैच चलता है हमारा 26 तारीख को। 26 तारीख के बैच में तो हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जिनको नॉर्मली जो हम हार्डवेयर से खा देते हैं, और जो फ्रेशर जिनमें फ्रेशर भी होते हैं और 8-8, 10-10 साल और 12-12 साल पुराने एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी होते हैं। वहीं पर जब नए स्टूडेंट की बात करता हूं, जब मैं उनके EMC क्लास अटेंड करता हूं, 8-10 साल 15 साल के स्टूडेंट होते हैं, सो दोस्तों यहां पर फ़र्क इतना पड़ता है कि जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत नॉलेज रखते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, जो एक अच्छी भी बात है, पर उनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे किसी बंदे के पास में लाइट सेक्शन कभी आता है, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, एक सेक्शन पकड़ के चलता हूँ, एक लाइट सेक्शन, सो वो जनरली क्या करेंगे, जो पहले के मोबाइल में उन्होंने काम किया हुआ उसी को रिपीटेशन करेंगे। अगर पहले के मोबाइल में डायोड निकाल के काम हुआ है तो इस मोबाइल में भी डायोड निकाल देंगे, पहले के मोबाइल में किसी मोबाइल में उन्होंने बूस्ट कॉइल निकाला था, इस मोबाइल में बूस्ट कॉइल निकाल देंगे, किसी मोबाइल में लाइट ऐसी निकाली थी, इस मोबाइल में लाइट ऐसी निकाल देंगे, किसी मोबाइल में उन्होंने किसी भी लैग में कोई वोल्टेज चेक किए होंगे और वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे, फलाने जगह से दे रहे होंगे तो यहाँ कर दिया होगा। दोस्तों मैं सच बताऊं, ऐसे स्टूडेंट के बाद में कभी भी अगर कोई ऐसा सेट आ जाए ना जिसमें लाइट सेक्शन पूरा उखड़ा हुआ हो तो ये जिंदगी में नहीं बना पाएंगे। ये आप मेरी बात लिख के नोट कर लीजिएगा, ये जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर इनके पास में कभी ऐसा सेक्शन आया ना तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, भाई यूट्यूब में कोई सेक्शन ऐसा हो जिसमें लाइट सेक्शन उखड़ा हुआ और उसकी जंपर पिक दिखाई जा रही हो, या उसकी सर्किट डायग्राम सर्च करते रहेंगे, हर जगह पर हेल्प 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 करते रहेंगे। इस तरीके से हेल्प नहीं, ये भीख मांगते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब तक भीख मांगोगे, सही नॉलेज रख लो यार। आप जैसे लोग ही होते हैं जो अच्छे नॉलेज होने के बाद भी, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज, IC निकाल लेते, ड्यूअल CPU निकाल, सब कुछ काम कर रहे हो, मार्केट में नाम है, उसके बाद भी आप दूसरों के मोबाइल को ख़राब कर रहे हो। एक अच्छा बनने वाला मोबाइल भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, और वो ख़राब होकर तीसरी दुकान में घूमते घामते कस्टमर का बेचारा मोबाइल ही डैड कर देते हो, कस्टमर का बेचारे का मोबाइल ही डैड कर देते हो, क्यों करना है डैड भैया। जब और शर्म आती है कि हम शर्म आती है और ऐसे लोगों को, मैं पता नहीं, मैं समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को शर्म आती है बोलने में कि यार हमको भी ये नॉलेज अपडेट लेना पड़ेगा। अपडेट होने में किस बात का शर्म यार, आपके पास में मोबाइल है, अगर उसमें मास वैल्यू डाला हुआ तो नौगट तो अपडेट हुआ है ना, नौगट अपडेट नहीं होगा उसमें शर्म कैसे यार। अपडेट होते हैं, फीचर्स आते हैं, नए नए तरीके पता चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं
जो अपने आपको कंपेयर तो चलाना, जो अपने आपको कंपेयर तो कराना चाहते हैं बहुत सारे टेक्नीशियन से। आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे दुकान वाले आजकल बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने लगे, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज है सॉफ्टवेयर को लेकर, हार्डवेयर को लेकर। सो क्यों आप वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं आप लैक हैं, आपने उनके पीछे की मेहनत नहीं देखी है दोस्तों। सिर्फ रात में बैठ के दुकान में बैठ के मेहनत नहीं करना है, सही तरीके से काम करना है। मैं आपको सच बताऊँ, अगर आपको कोई सेक्शन दे दिया जाएगा ना करने के लिए, तो आप उसमें एक घंटा लगा दो, कल लोगे आप। मैं मना नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, कोई सभी यहाँ वहाँ निकाल उकाल के कल लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे किया, और वही तरीका आप हर समय यूज करोगे। बट अगर वो एक सही नॉलेजेबल बंदे को दे, जिसको पता हो कि क्या लाइन चेक करनी है, क्या सप्लाई कहाँ से क्या स्विचिंग होती है, ये सारी चीज़ होगी ना उसको पता, सो वो आपके आपसे एक घंटा भी नहीं लेगा, वो 10 मिनट में उस सेक्शन को बना के रख सकता है। दोस्तों यहीं पर बात आती है काबिलियत की। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है अपना 10 साल वाला वो एक्सपीरियंस वाला एटीट्यूड। अगर काबिलियत होगी ना तो दुनिया में कुछ भी कर कुछ भी कर जाओगे, किसी भी देश में जाके काम करोगे ना तो हमारे देश का नाम कमाओगे, वरना वहाँ पर भी जाके अपने देश का नाम लुटाओगे, फिर बोलेंगे यार ये कहाँ से सीख के आ गए, कौन है बच्चे। सो दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार आप लोग को अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता मेरे पास आओ सीखने के लिए, बिल्कुल मत आओ, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे 2-3 महीने बुक हैं और मेरे पास में स्टूडेंट, मेरे पास आने के लिए तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मैसेज करने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे, जो कि हम कभी उठाते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते भी हैं और ये बात मैं मानता भी हूँ, कॉल नहीं उठाते। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी टीम नहीं लगी है दोस्तों, यहाँ पे एक ही बैच पढ़ाते हैं, एक महीने में एक बैच पर पूरी मेहनत करते हैं ताकि उसको जब भेजें ना तो कॉन्फिडेंस के साथ भेजें, तभी वो चिल्ला के बोलते हैं कि कौन इंडिया का नंबर 1 है, क्योंकि वो जोश जो उनमें पैदा होता है ना, वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो एवरी पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में जो बैठे होते हैं ना 20-25-30 या जो भी स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं उसमें से आपको क्या लगता है कि सबके सब नए बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं दोस्तों। कम से कम 15-20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-5 साल और कुछ बच्चे 10 साल तक काम किए होते हैं, फिर भी उनको शर्म नहीं है अपने आप को अपडेट करने की, क्योंकि उनको सही काम करना है, उनको अपने कस्टमर का मोबाइल सही तरीके से बना के देना है, उनको अपने पास आने वाला मोबाइल कहीं तीसरी जगह पर नहीं भेजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास में एक स्टूडेंट है GSM मुकेश, जो नेपाल का एक बहुत अच्छा काम करता है, जो मेरे पास हार्डवेयर सीखने के लिए आया है, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक ट्रेसिंग और हर सेक्शन का नॉलेज। दोस्तों वो ऑलरेडी EMC पे काम कर रहा है, उसने 6-5 महीने पहले EMC का ऑलरेडी जो काम सीखा हुआ है, और वो मुझे बता रहा था कि सर जब मैंने EMC का काम सीखा था ना, मैंने 100-150 मोबाइल बना लिए थे EMC से रिलेटेड, सर ये IC निकाल के वो IC निकाल के, सर बैटरी लो टेम्परेचर टू हाई या बहुत सारी ऐसी जो एरर्स आती है, सर मैंने पावर IC या CPU निकाल के उसको बदल के मैंने उसको रिप्लेस करके सही काम कर लिया। पर उसके बाद भी जुगाड़बाजी करने पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि सही काम मुझे शेयर करता है ये सारी नॉलेज। उसने बताया कि सर जब मैं आपकी क्लास अटेंड करके जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो काम मेरे से छूट गए थे, जो काम मेरे से नहीं हो पाए थे, वो काम भी मैं करके रख दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही गाइडेंस ले लो यार, ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं बैठे हैं, ये आपको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अगर आप दुकान वाला टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो दोस्तों आप एवरी टेक्नीशियन बन जाओगे, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप में अस्थिर रहोगे, और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये सोचोगे यार अब तो काम ही चेंज कर लो, क्योंकि धंधे में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब वो जनरली इसलिए होता है प्रॉपर नॉलेज, जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक सही काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो था सिर्फ अवेयरनेस के लिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि UMT में अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, इस नंबर पर कॉल करके आप UMT में 1600 रुपये में मात्र अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि UMT में अगर आपका UMT ओपन हो रहा है तो अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओपन होने के बाद भी उसको अपडेट करा रहे हैं और अपना पैसा भी मतलब वेस्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों ये दूसरा जो मैंने आपको बताना था, वो बताना था कि अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन हैं, अगर आप ऑलरेडी 8-10 साल काम कर रहे हैं, सो शर्म नहीं आनी चाहिए अपने आपको अपडेट करने में, क्योंकि अगर सही अपडेट के साथ काम करेंगे तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं और अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों काम ज़्यादा बढ़ने से पैसा ही आता है, और पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। और ये किसी के दिल को दुखाने के लिए चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ अपने अंदर से निकली एक चीज़ थी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई अगर आप काम कर रहे हो तो सही तरीके से करो, सही नॉलेज के साथ करो, क्योंकि नॉलेज और स्किल ही आदमी को आगे बढ़ाता है और कुछ भी आगे नहीं बढ़ाती है, एटीट्यूड सिर्फ नीचे गिराता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ
सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे पे ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाके सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.